ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा। अब शांति, मैं सरकार बाबा प्रजापति वर्मा उसकी बेटी बोल रही हूँ, और ये जो पिक्चर बनी है द लाइट और हरिलाल भाई ने बनाई है, वो एकदम ठीक ठीक अच्छी बनाई है, सही बनाई है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है और उसमें से पास हुए हैं। जब कोई पुरुष अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? जब हम माताएं बहनें ज्ञान सुनने के लिए जाती हैं, तो फिर हम पे ये मुकदमा क्यों चलाया गया? इसमें जो ओम राधे की पर्सनैलिटी थी और जो सब कुछ हुआ उसको बाद में हम लोग ममा बोलते थे, तो वो उसका ऐसी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल माता की तरह लगती थी। इस पिक्चर में जो भी कुछ दिखाया गया है बहुत अच्छा है। मैं अपने मित्रों को और पब्लिक को बोलूंगी ये पिक्चर जरूर देखे। और हिम्मत नहीं बची बाबा, हम जो कुछ सोच कर आए थे उसका भविष्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये तो जो इसमें दिखाया गया था कैसे वो वक्त आया था जिसमें खाने पीने के थे, दुविधा थी, बहुत परेशानी थी, इकोनॉमी का टाइम आ गया था, तो वो हमने देखा था, हम उससे गुजर चुके हैं कि खाने के लिए नहीं होता था। और तो कैसे बाबा को मदद मिल गई कहीं से, वो मैं जानती हूँ, उनको भी जानती हूँ, कैसे मदद आई और कैसे सबको खिलाया और संभाल के सब सारा यज्ञ चलाया। पाकिस्तान से हम लोग जब भारत में आए तो हम शिप में आए थे, और शिप से ट्रेन में उतर के फिर अबू रोड पाए, फिर ऊपर ट्रेन में और बस में हम लोग ऊपर माउंट पर आए। हमारे लिए एकदम बदलाव था, वो कराची में पाकिस्तान में रहते थे तो वो, और यहाँ बहुत बदलाव आया, लेकिन आस्ते आस्ते सब ठीक होता गया। बाबा के परमात्मा की कृपा से ये सब बढ़ता गया और सब इतने आते गए, तो ये मैं दुनिया को भी बोलूँगी कि ये पिक्चर ज़रूर देखें। इसमें जो सब कुछ था बहुत करके सब सही था, वो जो माताओं को कष्ट दिखाना पड़ा, लेत देखना पड़ा, कोरट के जो सीन थे, वो कोरट में हम तो नहीं गए क्योंकि हम बहुत छोटे थे, लेकिन कोरट का केस बराबर है, वो सब केसेस होते थे, और मम्मा ने उसमें भाग लिया था, जसोदा माता मेरी माँ भी उसमें थी, तो सब इसलिए सब अच्छा हो गया, सब ने जो बात थी सही थी, सच की तो हमेशा जय होती ही है। तो ये पिक्चर बहुत अच्छी, आप देखेंगे आपको भी अच्छी लगेगी कि किस तरह से ये संस्था कैसे बातों से गुजरी है।